Hello friends, namaste, Jai Swaminarayan, and welcome back to the channel Yogi Rhythm. I hope you all are safe and staying at your homes. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरनेट की हॉट फेवरेट बेवरेज जो है वो है डलगोना कॉफी की रेसिपी जो कि एक सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है. और देखिए होता क्या है, डलगोना कॉफी सुनकर सबके माइंड में एक ही बात आती है कि डलगोना आखिर होता क्या है. तो चलिए मैं बताती हूँ आपको डलगोना क्या होता है. सी, डलगोना एक कोरियन कैंडी होती है जो कि मेल्टेड शुगर और बेकिंग सोडा से बनती है. और डलगोना कॉफी को हम हमारी लैंग्वेज में अगर बोले तो फैटी हुई कॉफी भी बोल सकते हैं. डलगोना कॉफी उसी स्टाइल में बनती है जैसे कि हम लोग कॉफी को फैट के बनाते हैं. और ये सबसे पहले इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है, इसका बर्थ हुआ है साउथ कोरिया में. और इसको हॉट और कोल्ड अपन दोनों तरफ से हम लोग इसको सर्व कर सकते हैं. और सबसे मेन बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें 197 कैलोरीज होती है एक सर्विंग में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसकी रेसिपी में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं. तो इसका रेशियो एक्चुअली 2:2:2 होता है. अगर आप रेशियो में गड़बड़ करेंगे तो आपकी रेसिपी नहीं बैठेगी. सो आपको 2 कप आपको इंस्टेंट कॉफी पाउडर लेना होता है. तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, 2 चम्मच आपको इंस्टेंट कॉफी पाउडर लेना है, 2 चम्मच आपको शुगर लेनी है और 2 ही चम्मच आपको लेना है हॉट वाटर. तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि अगर रेशो में थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो आपकी रेसिपी उतना अच्छे से बैठ ही नहीं पाती है. फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ये एक फेक रेसिपी है, नहीं बनती है एंड ऑल. और इसको बनाने के लिए या तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज कीजिए. अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इस टाइप का विस्कर यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास विस्कर भी नहीं है तो फॉक तो एटलीस्ट सबके घर में होता है, आप एक फॉक से भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए मैंने इस बाउल में लिया है 2 टीस्पून हॉट वाटर लिया है. इसमें हम लोग हमारा 2 टीस्पून कॉफी पाउडर, इंस्टेंट कॉफी पाउडर मिक्स करेंगे और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून शुगर. आप एक ही स्पून रखिए, जो भी स्पून आपको रखना है, लेकिन आप उसका मेजरमेंट सेम स्पून से कीजिए. तो चलिए इसको हम लोग फेंट लेते हैं. देखिए शुगर मेल्ट हो गई है और एक इसके ऊपर एक हल्का सा झाग जैसा आना स्टार्ट हो गया है. और अभी भी हमें इसे बहुत देर तक फेंटना पड़ेगा. देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये थोड़ी थिक हुई है. एज यू कैन सी थोड़ा सा ये इसका टेक्सचर थिक हो गया है. एंड इसी तरह से हम लोग इसे फेंटते रहेंगे तो जब तक कि ये अपनी कंसिस्टेंसी को इसमें होल्ड ना करने लगे तब तक हमें इसे फेंटना है. एकदम से लाइट और फ्लफी हो जाएगी ये. तो चलिए फेंटते रहते हैं. देखिए कलर थोड़ा सा और चेंज हुआ है, इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा थिक हुआ है, बट अभी भी ये अपना होल्ड नहीं कर पा रहा है कंसिस्टेंसी. ये देखिए ये गिर रहा है चम्मच में से. तो अभी हमें इसे और फेंटना होगा. देखिए फ्रेंड्स अभी ये अपना शेप होल्ड कर रहा है, बहुत मुश्किल से ये गिर रहा है. देखिए इतना थिक हो गया है. देखिए आप ये देखिए अब ये गिरा है और बहुत अच्छे से ये शेप होल्ड कर पा रहा है. देखिए गिरा ही नहीं है इस बार तो. ओके तो अब हम इसे चलते हैं सर्विंग की तरफ लेकर चलते हैं और मैं दिखाती हूँ सर्व कैसे करते हैं. कोल्ड मिल्क के साथ कैसे सर्व करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी. हॉट के साथ भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं गार्निशिंग की तरफ. हम लोग इसे, मैंने इसमें आधा मतलब 3/4 ग्लास लिया है, ठंडे दूध से इसको भर लिया है. और अब मैं इसमें डालूंगी हमारी कॉफी जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, डलगोना कॉफी, वो हम इसमें डालेंगे. देखिए ये कैसे फ्लोट करता है, बिल्कुल भी अंदर नहीं डूब रहा है, इतना फ्लफी और इतना हल्का हो गया है. ठीक है इसे इस तरह से गोल गोल लगा देंगे. मैं
और देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको लगा दिया है और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी कॉफी पाउडर। डलगोना कॉफी को सर्व करते टाइम इसके ऊपर कॉफी पाउडर ही डाला जाता है। अगर आपको पसंद है, चॉकलेट चिप्स पसंद है तो आप चॉकलेट चिप्स डालिए और चॉकलेट सॉस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट ऑथेंटिक रेसिपी में उसमें यही डाला जाता है, कॉफी पाउडर से ही इसे गार्निश किया जाता है। तो मैं भी इसे कॉफी पाउडर से गार्निश कर देती हूँ। अगर आप थोड़ा मीठा ज्यादा खाते पीते हैं कॉफी, तो आप इस टाइम पर दूध में थोड़ा सा शुगर मिला सकते हैं। तो देखिए, हमारी रिच डलगोना कॉफी इज रेडी। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है देखने में। एक मस्ट ट्राई रेसिपी है ये, प्लीज आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल योगी रिदम। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।